3 जनवरी 2016 बांग्लादेश की सीमा से लगा पश्चिम बंगाल का मालदा। ये एक बेकाबू भीड़ की तस्वीर है जिसने थाने पर हमला कर दिया। भीड़ का गुस्सा जब शांत नहीं हुआ तो उसने गाड़ियों में आग लगा दी। सुनियोजित साजिश से पश्चिम बंगाल का मालदा कई दिन सुलगता रहा, जिसने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सवाल यह है, क्या मोदी के एकला प्लान से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए खौफ में आ जाएंगे? एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं। 7 मार्च 2017 पश्चिम बंगाल का मालदा, घर से 100 क्रूड बम बरामद। बम डिफ्यूजिंग स्क्वाड की गाड़ी जो एक घर के सामने रुकती है। पीडीएस की जांच में सामान्य से दिखने वाले इस घर से 100 क्रूड बम मिलते हैं। सवाल ये, क्या मोदी का एकला प्लान पश्चिम बंगाल में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली राजनीति रोक देगा? बंगाल के अंदर बंद है, सारी बंद है ना भाई, आप झूठ बोल रहे हो, एक धंधा चालू है, बताओ आपको कौन सा, बताओ, बम और हथियार बनाने का धंधा पुरजोश चालू है भैया, पुरजोश चालू। भारत बांग्लादेश की सीमा जहां होती है गौ तस्करी, गौ तस्करी की ऐसी तस्वीरें भारत और बांग्लादेश की सीमा से ही आती है। दावा है कि गौ तस्करी के इस अवैध कारोबार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को रातों रात अमीर बना दिया है, जिससे वहां के स्थानीय लोग खौफ में हैं। सवाल यह है, मोदी कैसे अपने एकला प्लान से बांग्लादेशी घुसपैठियों को गौ तस्करी से रोक देंगे? एक बार मोदी जी को बहुमत दे दो बंगाल में, कमल की सरकार बना दो, एक भी गाय की तस्करी उस और नहीं होने देंगे, एक भी गाय की तस्करी। क्या जो 2014 में उत्तर प्रदेश में हुआ वो इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाला है क्या? क्या इस बार ममता बनर्जी को बीजेपी चित कर देगी? क्या बीजेपी इस बार अपना मिशन 23 पूरा कर लेगी? इन सारे सवालों का जवाब मोदी का एकला प्लान है, जो अगर कामयाब हो गया तो ममता बनर्जी के तुष्टीकरण को फ्लू हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये सब आखिर कैसे मुमकिन है, इसे हमारी रिपोर्ट को देखकर आप समझ जाएंगे। ये पश्चिम बंगाल के मालदा की तस्वीर है, जहां मोदी के एकला प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह खुद पहुंचे। मालदा की रैली बीजेपी के लिए कितनी अहम थी और मोदी कैसे दिल्ली के लिए बंगाल से एकला प्लान चलने वाले हैं, इस बात का अंदाजा आप अमित शाह को देखकर लगा सकते हैं। आपको याद दिला दें कि ममता को उन्हीं के गढ़ में ललकारने वाले बीजेपी अध्यक्ष स्वाइन फ्लू से पीड़ित थे, लेकिन अस्पताल से घर पहुंचने के 2 दिनों के भीतर ही वो सीधे पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंच गए, जहां उन्होंने ममता सरकार को उखाड़ने का ऐलान किया। कल कलकत्ते में जो ममता सरकार है ना, वो ट्रांसफार्मर जल गया है। अब मुझे बताओ भैया, ट्रांसफार्मर जल जाए तो क्या करते हैं? जोर से बोलो और जोर से बोलो, अरे बदलना नहीं है, उखाड़ कर फेंक दो इस ट्रांसफार्मर को।
और कमल के फूल की सरकार बनाओ मित्रों, ये हमारे बंगाल को, हमारे पश्चिम बंगाल को सुजलाम सुफलाम बनाने का काम हमारा ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व। दरअसल मायावती और अखिलेश के साथ आने की वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा है, इसलिए बीजेपी की नजर अब पश्चिम बंगाल पर है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी की उम्मीद की सबसे बड़ी वजह ममता सरकार का कथित मुस्लिम तुष्टीकरण है, जिससे नाराज आम जनता को बीजेपी अपने पाले में करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी की कोशिश घुसपैठ के मुद्दे को भुनाने की है। ढाई गुना पैसा ज्यादा हमने दिया है, मगर ममता दी ये पैसा कम पड़ जाता है, क्योंकि आधा तो आपके लोग खा जाते हैं और आधा जो घुसपैठिए घुसे हैं वो खा जाते हैं। बंगाल की जनता के नसीब में कुछ नहीं आता। एक बार यहाँ कमल खिला दीजिए, एक भी घुसपैठिया बंगाल के अंदर घुस नहीं सकता मित्रों, घुस नहीं। 1951 में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी 78.54% थी, जो 2011 में घटकर 70.50% हो गई। वहीं 1951 में पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 18.63% थी, जो बढ़कर 27% हो गई। यही नहीं, पिछले एक दशक में पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी 1.9% भी बढ़ गई। असम के बाद पश्चिम बंगाल दूसरा राज्य है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा बढ़ी है। बीजेपी का आरोप है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जिन्हें ममता सरकार वोटर कार्ड और दूसरे कानूनी दस्तावेज मुहैया करवा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल की 28% मुस्लिम आबादी ममता के पीछे है, जिसके बलबूते पर वो लेफ्ट की 33 साल पुरानी सत्ता को बेदखल कर पाए। अब सवाल है, क्या इसी सियासी मजबूरी के चलते ममता बनर्जी पर हिंदुओं से भेदभाव के आरोप लगते हैं? पश्चिम बंगाल में जब कहीं भी सांप्रदायिक तनाव होता है, हिंदुओं को निशाना बनाने का आरोप बीजेपी और उससे जुड़े संगठन ममता पर लगाते हैं। इतना बड़ा ब्रिगेड समावेश था साहब, एक भी भारत माता की जय नहीं लगी। लगी थी क्या? एक भी वंदे मातरम बोला क्या? इनको तो मोदी 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 और कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अरे भारतीय जनता पार्टी की रैली है ममता दी, देशभक्ति किसको कहनी है तो देख लीजिए। मैं भारत माँ का जयकारा लगाता हूँ, बंगाल की जनता कैसे बोलती है देखिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। इन आरोपों को ममता बनर्जी दुर्गा विसर्जन पर रोक लगाकर और मजबूत कर देती हैं। 1 अक्टूबर 2017 को दुर्गा पूजा और मुहर्रम एक ही दिन थे। ममता सरकार ने मुहर्रम के दिन दुर्गा विसर्जन पर रोक लगा दी, जिसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य की ममता सरकार के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि आप दो समुदायों के बीच दरार क्यों पैदा कर रहे हैं। अब बीजेपी की कोशिश चुनावों में ममता के फैसले और अदालत की टिप्पणी को मुद्दा बनाने की है। बंगाल के अंदर दुर्गा विसर्जन की परमिशन नहीं, कहा पाकिस्तान जाकर करेंगे हम। सरस्वती पूजन नहीं होगा, कहां जाकर करेंगे। सरस्वती पूजन करने के लिए प्रतिबंध, हमले होते। दुर्गा विसर्जन करने के लिए हमले होते। मित्रों, ऐसा बंगाल आप चाहते हैं क्या? जरा जोर से बोले, चाहते हैं क्या? जहां दुर्गा विसर्जन की परमिशन हो, ऐसा बंगाल चाहते हैं क्या आप? बीजेपी के इन्हीं हमलों की वजह से ममता बनर्जी ने दुर्गा पंडालों को 28 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया, जिसके विरोध में मौलवी सड़कों पर उतर गए। ये मामला पिछले साल अक्टूबर का है, जब रैली में शामिल मौलवियों ने उन्हें मिलने वाले भत्ते को 2,500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने की मांग की। मौलवियों का सवाल था कि अगर दुर्गा पूजा पंडाल को इतने पैसे दिए जा सकते हैं, तो फिर उनके भत्ते में इजाफा क्यों नहीं किया जा सकता। अब सवाल है कि ममता वोट और सियासी नुकसान के आगे देख नहीं पा रही, इस बारे में हम एक्सपर्ट से पूछा।
एक बार तो गोपाल गांधी गवर्नर थे, बोले थे कि पश्चिम बंगाल हैज बिकम ए डायनामाइट, प्रेसिडेंट के पास जो रिपोर्ट भेजा था। तो इसीलिए, और मोदी जी मुझे याद है लोकसभा चुनाव में उस समय भी पश्चिम बंगाल में जाके, कलकत्ता में जाके इसको बड़ा इशू बनाया था। बढ़ रहा है गुस्सा, बढ़ रहा है, और इसीलिए भाजपा कोशिश कर रहे हैं ये जो समस्या है, जो बोझ है, और पश्चिम बंगाल के जो आर्थिक स्थिति है उसके ऊपर इसका जो असर है उसको इस्तेमाल करना। और इसीलिए देखिए, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आज मालदा को चुना गया है। उसके कारण भी ये हैं कि ये बांग्लादेश बॉर्डर और ये जो एरिया है उसमें उनको चिन्हित करके घुसपैठियों के बारे में इशू बनाना। बीजेपी की नजर कथित मुस्लिम तुष्टीकरण से पनप रहे गुस्से को कैश करवाने की है, जिसने उसे राज्य में ममता का सबसे बड़ा सियासी दुश्मन बना दिया है, जिसका नतीजा दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं की भड़न के रूप में सामने आता है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 42 सीटों में से 34 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें आईं, कांग्रेस को 4 और लेफ्ट को 2 सीटें मिली। बीजेपी को राज्य में 17% वोट शेयर मिला, जो साल 2011 के विधानसभा चुनाव में महज 4% था। बीजेपी की कोशिश पश्चिम बंगाल में अपना वोट शेयर बढ़ाकर उत्तर प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में होने वाले संभावित घाटे को पूरा करने की है, जिसके लिए अमित शाह ने 42 में से 23 सीट जीतने का प्लान बनाया है। मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर से केंद्र में कमल की सरकार, एनडीए की सरकार बनाने जा रहा है। मैं आपसे करबद्ध विनंती करने आया हूं, बंगाल की जनता को हाथ जोड़कर विनम्रता से कहने आया हूं, इस बंगाल को बचाने के लिए 23 से ज्यादा सीटें बंगाल की नरेंद्र मोदी की झोली में डाल दो। डालोगे? जोर से बोलो, डालोगे? ममता सरकार हटाओगे? मोदी सरकार बनाओगे? बंगाल में फिर से शांति लाओगे? देश में मजबूर और ढीली ढाली सरकार हो, मजबूर सरकार, ताकि वो भ्रष्टाचार कर पाए। और हम चाहते हैं देश में मजबूत सरकार हो जो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दे, ऐसी सरकार। लेकिन सवाल यह है कि बिना मुस्लिम वोट लिए बीजेपी ऐसा कैसे करेगी, क्योंकि लेफ्ट हो या फिर ममता, सभी मुस्लिम वोट बैंक को पाले में करके ही सत्ता में आए हैं। इसी चुनावी जरूरत को देखते हुए बीजेपी ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का दाव चला है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई लोगों को 11 साल की जगह 6 साल भारत में गुजारने पर नागरिकता मिल जाएगी। ये उन पर लागू होगा जो भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले तक आ चुके थे। खास बात यह है कि इन तीनों देशों से सबसे ज्यादा हिंदू आते हैं। धार्मिक आधार पर नागरिकता देने के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। असम की सरकार तो इससे मुश्किल में आ गई है, जहां के लोग सोचते हैं कि इससे उनके राज्य का जनसांख्यिकी स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन फिर भी बीजेपी इसे संसद की मंजूरी दिलाने की बात कह रही है। बंगाल से में रहते हुए सारे शरणार्थी हिंदू, बौद्ध, सिखों को आश्वस्त करना चाहता हूं, डरने की जरूरत नहीं है। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाए हैं, एक एक हिंदू बांग्लादेशी को हम नागरिकता देने का काम करने वाले। आप मुझे बताओ, ये हिंदू बहुत सिख शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? बीजेपी को लगता है कि नागरिकता विधेयक से उसे असम और पश्चिम बंगाल में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बांग्लादेश से आए हिंदुओं को नागरिकता मिल जाएगी, जिससे इन दोनों राज्यों के हिंदू बंगालियों को लुभाना आसान होगा। तो नागरिकता विधेयक ही मोदी का वो एकला प्लान है जो अगर पश्चिम बंगाल में काम कर गया तो बीजेपी अपने मिशन 23 को पा सकेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? जाते जाते अब इस बारे में एक्सपर्ट की राय सुनिए। भाजपा की रणनीति ये है कि पश्चिम बंगाल में, चूंकि ज़्यादातर जो बांग्लादेश से जो हिंदू शरणार्थी हैं वो बंगाली हैं,
तो उनको लगता है कि इसका फायदा उनको पश्चिम बंगाल में होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम्स हैं उनकी तादाद काफ़ी है और बांग्लादेशी मुसलमान भी काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। तो भाजपा को लगता है कहीं ना कहीं वो एक संदेश देगी कि देखिए हम हिंदू हितों की पार्टी हैं और हम पश्चिम बंगाल में जो एक आबादी का संतुलन बिगड़ा हुआ है उसको हम ठीक कर रहे हैं। ये भाजपा एक दांव चलना चाहती है। सीट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा ये पता नहीं है मुझे, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा जितना ताकत लगा रहे हैं, जितना मतलब बार बार जा रहे हैं, ये इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।